Hello viewers, welcome to my channel. I am Rashmi, your maths teacher. Guys, please channel को like, share, subscribe, bell icon को press करें ताकि daily update आपको तुरंत मिल जाएंगे. तो इस वीडियो में आज हम जो repeated question है हमारे last years में से, तो उसमें से हमारा एक question है जो बहुत time repeat हो रहा है, और जब मैंने NCERT में इसी type का question करवाया था तब भी बच्चों को बहुत problem आई थी इस question को समझने में. तो आप इसको यहाँ पे अच्छे से समझ सकते हो. मैं इस question को यहाँ पे दो method से solve कराऊंगी. दोनों में से जो भी method आपको easy लगता है उससे इस question को solve कर लेना. तो क्वेश्चन इज इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन ए पी इज 1/2 3n² + 7n, देन फाइंड इट्स nth टर्म, हैंस राइट इट्स 20th टर्म. तो ये आपका ये क्वेश्चन है कि जब आपको किसी भी ए पी का, कोई भी ए पी अगर आपको यहाँ पे है जिसका सम आपको गिवन है, बट वो वेरिएबल की फॉर्म में गिवन है, कि कोई ए पी है जिसमें एन टर्म्स है, लाइक कि जैसे 20 टर्म है और 20 टर्म का सम गिवन है, ऐसे ही यहाँ पे एन टर्म्स है और एन टर्म्स का आपको ये सम गिवन है, तब आपको यहाँ पे क्या करना है, nth टर्म यानी कि वो लास्ट टर्म जो है वो आपको फाइंड करनी है. जैसे कि हमारी ए पी है जिसमें आपका 2 का टेबल लिखा हुआ है, जैसे 2, 4, 6, 8, 12 ऐसे करके, लास्ट टर्म हमारी यहाँ पे 20, इस तरह से हमारी ए पी चल रही है 2, 4, 6, 8 ऐसे करके, ठीक है. तो इन सारी टर्म का सम आपको वेरिएबल के फॉर्म में दिया हुआ है और आपको यहाँ पे फाइंड क्या करना है, ये लास्ट टर्म आपकी कौन सी, ये आपको फाइंड करना है. तो एक तो यहाँ पे सीधा फॉर्मूला है, उसको याद रख लो. अगर वो फॉर्मूला याद रख लोगे तो सॉल्यूशन बहुत ईजी हो जाएगा, कि अगर आपको किसी ए पी का सम वेरिएबल के फॉर्म में दिया हुआ है और आपको उसमें से nth टर्म फाइंड करना है या कोई भी टर्म फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, सेकेंड फाइंड करना है, या बीच में से कोई भी टर्म फाइंड करना है, तो उसका एक फॉर्मूला है, वो याद रख लो. तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, सीधा फॉर्मूला याद है. जैसे हमने अदर आइडेंटिटीज़ याद की, उसके लिए भी आप याद कर लो तो इजीली उसको सॉल्व कर पाओगे. तो सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूले को ही देखते हैं. तो हमने गिवन टर्म यहाँ पे ले लिया, आपको एस एन गिवन है वो हमने यहाँ राइट कर लिया, और ये आपका फॉर्मूला हो गया कि अगर आपको सम गिवन है तो कोई टर्म फाइंड करना है, तो वो फॉर्मूला हो गया एस एन माइनस एस एन माइनस वन, यानी कि 20 टर्म तक की जो आपका सम है, यानी लास्ट टर्म तक का जो सम है उसमें से, उससे जस्ट पहले वाली टर्म के तक के सम को सब्ट्रैक्ट कर देना. यानी कि अगर मुझे इस ए पी में से अगर कोई टर्म फाइंड करनी है, तो मैं यहाँ पे जैसे मुझे nth टर्म फाइंड करनी है, n यहाँ पे मेरा 20, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, अगर मुझे a 20 चाहिए, यानी मुझे लास्ट टर्म चाहिए a 20, टोटल 20 टर्म है, तो मुझे यहाँ पे चाहिए a 20 चाहिए, ओके सॉरी यहाँ पे 10 टर्म्स होगी टोटल, क्योंकि 2 का टेबल है, तो मुझे a 10 अगर यहाँ पे फाइंड करना है, लास्ट टर्म यहाँ पे कौन सी होगी, तो मुझे s 20 माइनस s 20 माइनस 1, यानी कि 2 से लेके 20 तक की टर्म को ऐड करना है, और 2 से लेके 19 तक की टर्म को ऐड करना, उनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको लास्ट टर्म यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है. अब आप यहाँ पे देखो एस एन तो हमें यहाँ पे गिवन है, और इसका जो प्रूफ है वो मैं आपको नेक्स्ट मेथड में आपको पता चल जाएगा ये कैसे आ रहा है. तो एस एन तो आपको यहाँ पे गिवन है, हमें एस ऑफ एन माइनस वन यानी इससे जस्ट पहले वाली टर्म तक का सम चाहिए, यानी 19 तक का हमें सम चाहिए. तो आप यहाँ पे क्या करो, एन की जगह पे एन माइनस वन पुट कर लो. तो नाउ यहाँ पे आप लिखोगे रिप्लेसिंग, कि इस फॉर्मूले में पुट करने के लिए एस एन तो है, एस एन माइनस वन कैलकुलेट कर लेते हैं, रिप्लेसिंग एन बाय एन माइनस वन वी गेट. तो आपका ये s जहाँ भी n दिख रहा है वहाँ n माइनस वन पुट कर दो. तो s n माइनस वन 1/2 3n - 1 का स्क्वायर प्लस 7n - 1, ओके. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया आपका 1/2 3n - 1 का स्क्वायर, यानी कि आपका ये फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर, हमें पता होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, यही हमारा फॉर्मूला होता है. तो यहाँ पे लिख लो आप ए स्क्वायर यानी कि एन स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर 1 हो गया, और माइनस 2ab यानी 2 × 1 × n 2n हो गया, फिर प्लस 7 × n - 1 आपका एज इट इज रह गया. अब 3 को अंदर मल्टीपल कर लो, तो ये हो गया 1/2 3 × n² 3n² हो गया, फिर प्लस 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 3 × 1 3 हो गया, प्लस माइनस माइनस 3 × 2 यहाँ पे 6n हो गया, फिर प्लस 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 7n हो गया, प्लस माइनस माइनस 7 × 1 7 हो गया. देखो यहाँ पे आपका जो भी सॉल्व हो रहा है उसको सॉल्व करते, तो 1/2 n² की टर्म हमारे पास एक ही है, तो 3n² हो गया, फिर 6n और 7n की टर्म है, तो 7 में से 6 गया, तो आपका यहाँ पे बच गया एक ही n बचा, साइन आपका पॉजिटिव आएगा क्योंकि 7 बड़ा है, फिर प्लस माइनस माइनस, तो 7 में से 3 गया आपका 4 बच गया, लेकिन साइन आपका 7 का आएगा, नेगेटिव आएगा क्योंकि 7 बड़ा है. तो ये आपका यहाँ से सॉल्व हो गया. अब आप ये एस एन और एस एन माइनस वन की वैल्यू इसमें पुट कर लो, तो नाउ हमें ए एन चाहिए, तो ए एन इक्वल टू
एस एन माइनस एस एन माइनस वन होता है, ये फॉर्मूला आप यहाँ पे याद रख लो। तो ये आपका हो गया, एस एन की वैल्यू पुट करो, एस एन की वैल्यू आपकी यहाँ पे 1/2 3n² + 7n, और एस एन माइनस वन की है 1/2, ये री वैल्यू 3n² + n-4 हो गया। तो यहाँ से आप 1/2 कॉमन ले लो, 1/2 कॉमन लिया तो यहाँ से आपका हो गया 3n² + 7n हो गया, और माइनस, और ये 1/2 बाहर आ गया, माइनस है इसलिए हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, 3n² + n-4 हो गया। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को ओपन करके इसको सॉल्व करते हैं, 1/2 3n² + 7n - - - 3n² माइनस प्लस माइनस एन हो गया, माइनस माइनस प्लस 4 हो गया। तो 3n² से 3n² कैंसिल हो गया, यहाँ से बच गया आपका हाफ, 7n में से एक n गया, यहाँ पे आपका बच गया 6n, और यहाँ पे प्लस का 4 हो गया। अब अंदर से क्योंकि हाफ है, अंदर से आप 2 इजीली कॉमन आ जाएगा, तो ये 1/2, और हमने यहाँ से 2 कॉमन लिया, 2 के टेबल में 6 आता है आपका 3 टाइम, और 2 के टेबल में 4 आता है आपका 2 टाइम, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो दिस इम्प्लाइज ए एन आपका यहाँ पे आ गया 3n+2। तो ये हमने n फाइंड कर लिया। अब आपको फर्स्ट टर्म चाहिए, अभी आपको यहाँ पे 20th टर्म फाइंड करने के लिए कहा है, लेकिन अगर आपको फर्स्ट टर्म चाहिए तो आप n की जगह 1 पुट कर दो, तो 3+2 आपका 6 हो जाएगा फर्स्ट टर्म। अगर आपको सेकंड टर्म चाहिए तो n की जगह 2 पुट कर दो, जो भी टर्म आपको क्वेश्चन में पूछी हो, 5th टर्म, 10th टर्म। तो अब जब भी आपका ये क्वेश्चन इस तरह से आता है कि आपको किसी एपी का सम दिया हुआ है वेरिएबल के फॉर्म में और आपको कोई भी टर्म यहाँ पे फाइंड करनी है, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा लो, पुट करके इसको सॉल्व कर लो। अब आपको जो भी टर्म कहा, हमें यहाँ पे a20 फाइंड करने के लिए कहा है, तो मैं यहाँ पे n की जगह पे अब 20 पुट कर दूंगी, तो a20 = 3, इस n की जगह पे हो गया 20+2, तो 3 × 20 आपका 60+2, यानी कि ये हो गया 62। तो ये बहुत इजी मेथड है, एक फॉर्मूला याद रखना है, सॉल्व करना है, और आपका यहाँ पे इजीली सॉल्व हो गया। अब हम यहाँ पे सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड आपका यहाँ पे जो मैंने पहले एनसीईआरटी बुक में जब क्वेश्चन था सॉल्व कराया था, तब यहाँ पे यही मेथड करवाया था, ये वाला मेथड नहीं कराया था। तो अब यहाँ पे आपको एस एन गिवन है 1/2 3n² + 7n, तो ये हमें यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे तो हमने एपी नहीं बनाया था डायरेक्ट, क्योंकि अगर हमें कोई टर्म फाइंड करनी है तो हमें ए और डी पता होना चाहिए, यानी कि कोई एपी हमें यहाँ पता होने चाहिए, एपी की दो टर्म, या तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, ये दोनों पता है तब भी हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस मेथड में हमने कोई एपी नहीं बनाया था, लेकिन जो सेकंड मेथड है वहाँ पे हम एपी बना रहे हैं, हम ये जिस भी एपी का ये सम गिवन है हम उस एपी को फाइंड कर रहे हैं। तो एपी को कैसे फाइंड करेंगे, अब आप यहाँ पे देखो, अगर मैं की जगह पे 1 रखती हूँ तो एक ही टर्म होगी, एक ही टर्म का सम तो वही नंबर होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एपी जनरेट करने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले मैं n = 1 पुट करती हूँ। अगर मैंने n = 1 पुट किया तो s1 मिलेगा, s1 मतलब सिर्फ एक ही टर्म का सम, यानी कि वो टर्म आपकी पहली टर्म होगी, a1 होगी। तो आप यहाँ पुट कर लो 1/2 3n² यानी 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 1 × 3 3 हो गया, प्लस 7 × 1 आपका 7 हो गया। तो ये आपका हो गया यहाँ पे 1/2, 7 × 7 + 3 10 हो गया, तो ये 2 से कैंसिल हो गया, 10 5 टाइम, तो आपका 5 हो गया, यानी कि a1 यहाँ से हमारा 5 आ गया। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारी 5 आ गई। अब आप n = 2 पुट करके देखो, तो पुट n = 2, तो फर्स्ट और सेकेंड टर्म आ जाएगी, तो s2 यहाँ पे आएगा, s2 यानी कि हमारा आएगा a1 + a2, यानी कि s2 यहाँ पे n का मतलब क्या होता है, n का मतलब ये होता है कितनी टर्म का सम है। मैंने n यहाँ पे n = 1 रखा तो एक टर्म का सम है, फर्स्ट टर्म का सम है। मैंने n = 2 रखा तो यहाँ पे दो टर्म, यानी फर्स्ट और सेकंड टर्म का सम है। अगर मैंने n = 3 रखा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म का सम है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे a1 + a2 रखा। तो a1 + a2, तो ये आपका यहाँ पे n की जगह पे 2 पुट करना है, तो 1/2 3 × 2² + 7 × आपका हो गया 2, तो ये आपका हो गया 1/2 3 × 2² हो गया 4, 7 × 2 हो गया 14, तो ये हो गया 1/2, और 4 × 3 12 हो गया, 12 + 14 आपका यहाँ पे हो गया 26, तो 2 के टेबल में 26 कैंसिल हुआ, 13, तो यहाँ पे आपके आ गया 13, यानी कि a1 + a2 आपका आ गया 13, और a1 कितना यहाँ पे 5 है। तो ये दो ही चीज़ आप कैलकुलेट करोगे तब भी आपको a और d मिल जाएगा। तो हमें ap जनरेट करने के लिए a और d ही चाहिए, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, नाउ a1 हमारे पास आया है 5,
एंड ए वन प्लस ए टू हमारे पास आया यहाँ पे 13। अगर आप एन इक्वल टू थ्री पुट करोगे तो ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री आ जाएगा, बट इतना आपका इनफ है। तो अगर मेरा ए वन फाइव है तो ए टू कितना होगा, यानी कि सेकेंड टर्म कितनी होगी, तो ए वन की वैल्यू यहाँ पुट कर लो, तो दिस एम्प्लाइज, हम इधर ही सॉल्व कर लेते, तो दिस एम्प्लाइज फाइव प्लस ए टू इक्वल टू 13। तो ए टू यहाँ पे हो जाएगा मेरा 13, प्लस फाइव इधर गया, माइनस का फाइव हो गया, तो ए टू इक्वल टू यहाँ पे मेरा हो जाएगा 8। ठीक है, तो ये हमारी एपी हमें मिल गई है कि तो नाउ एपी इज, एपी इज पहला टर्म 5 है, दूसरा 8 है एंड सो ऑन। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हमारी ए से डिनोट करते हैं वो 5 हो गया, डी हमारा होता है हमारा सेकेंड टर्म, ये टर्म में से ये माइनस सब्ट्रैक्ट करना, ए टू माइनस ए वन, तो 8 माइनस 5 यानी कि आपका हो गया 3। तो ये हमारा हो गया, अब 3 3 आप इसको ऐड करते जाओ, आगे लिखते जाओ, और टर्म मिल जाएगी 8, तो नेक्स्ट टर्म आपकी यहाँ पे हो जाएगी 11, नेक्स्ट टर्म आपकी यहाँ पे हो जाएगी 14, तो ऐसे करके आपको एपी मिल जाएगा। तो एपी जनरेट के लिए सिर्फ दो चीज़ यहाँ पे चाहिए थी, हमने ए वन फाइंड किया एन इक्वल टू वन पुट करके, ए वन प्लस ए टू फाइंड किया एन इक्वल टू टू पुट करके, उससे हमारी एपी मिल गई, ए मिल गया और हमारा यहाँ पे डी मिल गया। तो ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई, ये इसको ले ले ए है ना, ये हमारी हो गई फर्स्ट टर्म, और डी जो हमारा है वो हो गया यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हो गया। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या चाहिए, हमें ए 20 फाइंड करना है, तो ए एन का फॉर्मूला हमें पता है, ए एन इक्वल टू, कोई टर्म फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला है, किसी भी टर्म ए पी के अंदर कोई भी टर्म फाइंड करनी हो तो यही फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। तो एन यहाँ पे क्वेश्चन में आपको गिवन है, एन यानी मैं 20th टर्म फाइंड करनी, तो एन 20 हो गया, ए इक्वल टू हमें अभी हमने कैलकुलेट किया 5 है, और डी इक्वल टू यहाँ पे हमारा है 3। अब इस वैल्यू में पुट कर लो, तो एन ए 20 इक्वल टू ए कितना है हमारा 5 प्लस एन माइनस 1, तो 20 माइनस 1 और डी आपका यहाँ पे 3 है, तो 5 प्लस 20 माइनस 1 तो 19 इंटू आपका हो गया 3, तो ये आपका यहाँ पे हो गया 5 प्लस ना 93 27 का 7 कैरी 2, 3 इंटू 1 3 प्लस 2 आपका यहाँ पे हो गया 5, तो 57 प्लस 5 आपका कितना हो गया 62। तो यहाँ पे देखो ए 20 यहाँ पे भी आपका कितना आ रहा था 62 ही आ रहा था, और यहाँ पे भी आपका 62 आ रहा है। अब आप यहाँ पे देखो, जैसे आपका ए एन यहाँ पे 3n पर प्लस 2 आ रहा था ना, तो यहाँ पे भी आपका, अगर आप इसमें n की जगह पे कोई वैल्यू नहीं पुट करो, a और d की वैल्यू पुट करो, तो ए एन आपका 3n प्लस 2 ही आएगा। आप यहाँ पे देखो, मैं रख रही हूँ ये सिर्फ समझाने के लिए, मैं आपको बता रही हूँ कि दोनों सेम है, सोल्यूशन आपका यहाँ तक ही है, ए एन इक्वल टू a की जगह हमने वैल्यू पुट किया हमारा है 5 प्लस एन माइनस 1 एज इट इज़ है, और d आपका है 3। अब इसको सॉल्व कर लो, 5 प्लस 3 इंटू एन 3n प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 1 आपका 3 हो गया, तो 5 माइनस 3 आपका कितना हो गया 2 हो गया, पहले 3n लिख लेते हैं और ये प्लस का आपका 2 हो गया। ठीक है, साइन आपका 5 का आएगा क्योंकि 5 बड़ा है, तो देखो यहाँ पे भी an कितना आ रहा है 3n प्लस 2 ही आ रहा है, यहाँ भी an आपका 3n प्लस 2 ही आ रहा है, a 20 आपका 62 आ रहा है, a 20 आपका 62 आ रहा है। तो दोनों मैथड में से आपको जो भी मैथड ईजी लगता हो, चाहे तो आप ये फॉर्मूला सीधा याद रखने वाला, या फिर आपका ये पहले एपी जनरेट करो और उसके बाद जो टर्म आपको चाहिए वो फाइंड करने के लिए, तो ये मेथड भी आप यहां पे यूज कर सकते हो। तो आई होप आपको दोनों मेथड समझ में आए, अभी भी अगर कोई डाउट है इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।